नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास, दिन दहाड़े लूट। इस उपन्यास का पहला भाग बलि का बकरा है। पिछली घटनाओं को जानने के लिए आप उसे अवश्य देखें, जो मेरे चैनल पर पहले से ही अपलोड है। अब आगे। देवराज चौहान, जगमोहन, मंगल पांडे, उस्मान अली और नीना पाटेकर बैंक में प्रवेश करते चले गए। चंद ही पलों में यह लोग खतरनाक दृढ़ निश्चय के साथ बैंक डकैती करने वाले थे। डालचंद बैंक से कुछ दूर कार के साथ मौजूद था। खास वक्त के पश्चात उसने कार को बैंक अहाते में ला खड़ा करना था। इन्हीं लोगों ने कल इसी बैंक के अहाते से 5.5 करोड़ के नोटों से भरी बैंक वैन उड़ाई थी। इसी कारण बैंक के अहाते में 4 पुलिस वाले भी लापरवाही से खड़े पहरा दे रहे थे। कल बैंक वैन रॉबरी के समय फेंके गए ग्रेनेडों के कारण अहाते की 4 दीवारी कई जगह से उड़ी हुई थी। अहाते में भी 2 जगह गड्ढे नजर आ रहे थे। सुबह के 10 बजे थे। बैंक का कार्य अभी ठीक तरह से शुरू भी नहीं हुआ था। कल ही बैंक के अहाते से उड़ाई गई 5.5 करोड़ के नोटों से भरी वैन के कारण बैंक में सनसनीसी फैल गई थी। हर कर्मचारी दूसरे को प्रश्न भरी निगाहों से देख रहा था। उत्सुकतावश आज बैंक में ग्राहक भी कुछ ज्यादा ही नजर आने शुरू हो गए थे। शायद इस कारण कि कल हुई बैंक रॉबरी के बारे में कोई खास जानकारी मिल सके। देवराज चौहान क्षण भर के लिए ठिठका, दोनों हाथ जेबों में डाले आसपास निगाह मारी। एक हाथ जेब में पड़ी रिवॉल्वर पर था। सब अपने अपने काम में व्यस्त थे। ग्राहक भी अपने अपने काउंटर पर जमा होते जा रहे थे। उस्मान अली और जगमोहन बैंक के प्रवेश गेट के करीब ही जम गए थे। दोनों के हाथों में बैंक का फॉर्म था, जिसे कि वह भरने का दिखावा कर रहे थे। वहां से उन्हें अहाते में टहल रहे 4 पुलिस वाले भी नजर आ रहे थे, जिनके कंधों पर हथियार लटक रहे थे। हाव भाव में उनकी लापरवाही कूट कूट कर भरी पड़ी थी। वह सोच भी नहीं सकते थे कि आज भी बैंक में कोई हादसा हो सकता है। चंद कदमों के फासले पर ही बैंक का चौकीदार कंधे पर दोनाली बंदूक लटकाए खड़ा था। कल की बैंक वैन रॉबरी के कारण वह खुद को कुछ ज्यादा ही सतर्क सा दिखा रहा था। नीना पाटेकर आखिरी काउंटर के करीब खड़ी हो गई थी। उसका तोप जैसा हुस्न होने के कारण कई मर्दों की निगाहें उस पर पड़ रही थी, जबकि इस बारे में जानते हुए भी नीना पाटेकर अनजान सी बनी रही। मंगल पांडे आराम से टहलता हुआ चारों तरफ निगाहें घुमा रहा था। उसके चेहरे पर हल्का सा गुस्सा था। मन ही मन वह मोटे नटियाल को ढेरों गालियां दे रहा था कि नटियाल की लापरवाही के कारण उसे बैंक डकैती में भी शामिल होना पड़ा, वरना वह तो बैंक डकैती के लिए तैयार ही नहीं था। कल 5.5 करोड़ की बैंक वैन रॉबरी में से मिलने वाला हिस्सा उसके लिए बहुत था। आज बैंक डकैती करके वह खामखा के खतरे में नहीं पड़ना चाहता था, परंतु किस्मत ने उसे यहाँ ला धकेला था। तभी मंगल पांडे को बेहद करीब किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। उसने फौरन गर्दन घुमाई। वह देवराज चौहान था। दोनों की आंखें मिली, आंखों ही आंखों में इशारे हुए। फिर देवराज चौहान आगे बढ़ गया। मंगल पांडे अपनी जगह से हिला, जगमोहन और उस्मान अली पर निगाह मारी, जो अपनी जगह पर ठीक तरह से टिके थे। मंगल पांडे नीना पाटेकर के करीब पहुंचा। दोनों की आंखें मिली, इशारे हुए। मंगल पांडे लापरवाही से आगे बढ़ गया। काम शुरू करने का सिग्नल हो चुका था। देवराज चौहान एक तरफ कोने में बने बैंक मैनेजर के केबिन की तरफ बढ़ा। करीब पहुंचकर इससे पहले कि केबिन का दरवाजा खोलता, तभी दरवाजा खुला और भीतर से 2 आदमी निकलकर आगे बढ़ गए। खुला दरवाजा इससे पहले कि बंद होता, देवराज चौहान ने दरवाजे का पल्ला थामा और भीतर प्रवेश कर गया। 50-52 वर्षीय मैनेजर लुटा पिटा सा बैठा था। कल हुई वैन रॉबरी ने उसके करियर पर धब्बा डाल दिया था। थकी थकी सी निगाहें उठाकर उसने देवराज चौहान को देखा, फिर गहरी सांस लेकर बोला, कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? सुना है कुछ लोग कल आपके बैंक के कंपाउंड से 5.5 करोड़ के नोटों से भरी बैंक वैन ले भागे हैं, देवराज चौहान ने शांत स्वर से कहा। भाई साहब, बैंक मैनेजर आहत स्वर से अपना क्रोध दबाकर बोला, अब किस किस को इस बात का उत्तर देता फिरूं कि कल बैंक वैन उड़ा ली गई है? कैसे लोग हैं जो सब कुछ जानते भी हैं फिर भी मेरे पास आकर पूछ रहे हैं? बाहर जाकर पूछिए, मेरा दिमाग मत खाइए। अगर बैंक से संबंधित कोई काम हो तो मेरे पास आइएगा। देवराज चौहान के होठों पर गहरी मुस्कान नाची।
मैं आपकी जानकारी में इजाफा करना चाहता हूँ। कैसा इजाफा? आप जानते हैं कि बैंक वैन रॉबरी किसने की है? हाँ, देवराज चौहान ने। कोई बहुत ही खतरनाक डकैत है, उसने की है। देवराज चौहान को देखा है आपने कभी मैनेजर साहब? नहीं। तो ध्यान से मुझे देख लीजिए, मैं ही देवराज चौहान हूँ। मैंने ही कंपाउंड से 5.5 करोड़ के नोटों से भरी बैंक वैन उड़ाई है। वैन इस समय मेरे कब्जे में है। उसके बीच में वह दोनों गार्ड अभी तक बंद हैं। बैंक मैनेजर चौंक कर उछल पड़ा। क्या कह रहे हो? तो तुम देवराज चौहान हो? हाँ, मैं। तभी दरवाज़ा खुला और कंपाउंड में पहरा दे रहे 4 पुलिस वालों में से एक ने भीतर प्रवेश किया। मैनेजर साहब, पुलिस वाला भीतर आते ही बोला, कुछ नाश्ते पानी का प्रबंध कीजिए, आज तो हम लोग नाश्ता करके भी नहीं आए। सुना है बैंक की कैंटीन में बटर टोस्ट, सैंडविच और काफ़ी बहुत अच्छी बनती है। मैनेजर ने गले में फंसा तूक निकला और सूखे स्वर से बोला, सुनो, यह आदमी देवराज चौहान है। पुलिस वाले ने चौंक कर देवराज चौहान को देखा। वह हवलदार रैंक का था। उसे देखते पाकर देवराज चौहान जल्दी से बोल पड़ा, हवलदार साहब, मैं आपको वह खतरनाक मुजरिम बैंक उड़ाने वाला देवराज चौहान लगता हूँ। वह तो कहीं बैठा 5.5 करोड़ के नोटों के साथ ऐश कर रहा होगा। इसने मुझे खुद कहा है कि यह देवराज चौहान है। वह तो, देवराज चौहान हंसा, मैं मजाक कर रहा था। तुम खुद ही सोचो हवलदार साहब कि अगर मैं देवराज चौहान होता तो आज बैंक में क्यों आता और आकर बैंक मैनेजर को ही बताना था कि मैं देवराज चौहान हूँ। तूने, हवलदार ने झड़क भरे स्वर में कहा, मैनेजर साहब से कहा कि तू देवराज चौहान है? सच बोलना, झूठ बोला तो वह तो मैं मजाक कर रहा था। सुन बे, ऐसा खतरनाक मजाक फिर कभी मत करना, वरना ऐसा अंदर बंद करूँगा कि कोई तुझे बाहर भी नहीं निकाल सकेगा। कहने के साथ ही हवलदार ने जेब से तंबाकू की पुड़िया निकाली और हाथ पर डालकर चूना मिलाकर तंबाकू तैयार करने लगा। ठीक है साहब जी, देवराज चौहान मासूमियत भरे स्वर से कह उठा, भूल हो गई, कान पकड़ता हूँ, फिर भूलकर भी ऐसा नहीं करूँगा। हवलदार ने अकड़ भरी निगाहों से देवराज चौहान को देखकर मैनेजर से कहा, मुझे तो यह सनकी लगता है मैनेजर साहब। खैर छोड़िए, नाश्ता कॉफ़ी आप कब भिजवा रहे हैं? मुझे और बाकी तीनों को भी भूख लग रही है। बैंक मैनेजर के होठों से गहरी सांस निकल गई। अनमने और उखड़े से लहजे से उसने हवलदार को जवाब दिया, भिजवाता हूँ। हवलदार पूर्वता अंदाज में देवराज चौहान को घूरता हुआ बाहर निकल गया। एकाएक देवराज चौहान के चेहरे पर क्रूरता के भाव विद्यमान होते चले गए। हाँ तो मैनेजर साहब, बैंक मैनेजर साहब, मेरा नाम देवराज चौहान है। कल मैंने बैंक के अहाते से 5.5 करोड़ के नोटों से भरी वैन उड़ाई थी, वह नोट जो कि मुल्क राज एंड कंपनी को भेजे जा रहे थे, और आज बैंक में एक्स्ट्रा 4 करोड़ रुपया आया हुआ था, सेवाराम मेवाराम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी का। कुछ ही देर में यह रुपया निकाला जाने वाला है। आज मैं इन्हीं 4 करोड़ को लेने आया हूँ। क्या कह रहे हो? बैंक मैनेजर पुनः हक्का पक्का रह गया। शायद आपको विश्वास नहीं आ रहा है कि मैं देवराज चौहान हूँ, दरिंदगी भरे स्वर में कहते हुए देवराज चौहान ने जेब से रिवॉल्वर निकाल कर हाथ में ली। बैंक मैनेजर की आंखें फटती चली गई। तो तुम वास्तव में देवराज चौहान हो? स्वर में हकलाहट व्याप्त हो गई थी। हाँ, मैं वास्तव में देवराज चौहान हूँ और बैंक के स्ट्रॉन्ग रूम में पड़ा 4 करोड़ फौरन हासिल करना चाहता हूँ। उठो और जो मैं कहता हूँ वही करो। बैंक मैनेजर फटी फटी सी आंखों से देवराज चौहान को देखता रहा। सुना नहीं तुमने? देवराज चौहान की आवाज में दरिंदगी पड़ गई। पागल पागल तो नहीं हो तुम? क्यों? बाहर पुलिस वाले खड़े हैं, बैंक मैनेजर सूखे स्वर में बोला। बैंक में अब तक न जाने कितने ग्राहक आ चुके हैं और 250 बंदों का कम से कम बैंक स्टाफ है। इतने सारे लोगों के होते हुए तुम सेवाराम मेवाराम वाले 4 करोड़ नहीं ले जा सकते। मैं ले जाऊंगा, 200% ले जाऊंगा, देवराज चौहान खतरनाक लहजे में बोला। तुम उठो और मुझे उन 4 करोड़ तक ले जाने का प्रबंध करो। कहाँ पड़े हैं? बैंक के स्ट्रॉन्ग रूम में होंगे, थैलों में या सरकारी ट्रंकों में पैक होंगे, ठसाठस भरे पड़े होंगे। बैंक मैनेजर सूखे होठों पर जीभ फेर कर रह गया। तुम मरोगे। बैंक मैनेजर सत्ते किसी हालत में उसकी रिवॉल्वर देख रहा था और अपने साथ साथ बैंक में मौजूद निर्दोष लोगों को भी मारोगे। तड़ाक, देवराज चौहान का हाथ हिला और जोरदार चांटा बैंक मैनेजर के गाल पर जा पड़ा।
बैंक मैनेजर ग्राहक के साथ कुर्सी सहित नीचे जा गिरा। देवराज चौहान आगे बढ़ा और मैनेजर की कमीज का कॉलर पकड़कर उसे तीव्र झटके सहित उठाया। एक ही चांटे में उसका रंग उड़ गया था। खुश्क गले में बड़े बड़े कांटे उभर आए थे। दिल में दहशत की ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी थी। वक्त बर्बाद करके अपनी मौत को बुलावा मत दो मैनेजर, तुम्हारे केबिन का दरवाजा खुला है, कोई भी भीतर आ सकता है। जिसने नहीं भी मरना, ऐसा हो गया तो वह भी मरेगा। समझदारी इसी में है कि जो मैं कह रहा हूँ वह फौरन करो। देवराज चौहान उसके चेहरे के सामने रिवॉल्वर नचाकर क्रूर स्वर में बोला, नहीं, मैं तुम्हें 4 करोड़ नहीं ले जाने दूंगा, मैनेजर कांपते स्वर में कह उठा। कल तुम 5.5 करोड़ से भरी वैन ले जाकर मेरे कैरियर पर धब्बा डाल चुके हो। आज तुम 4 करोड़ ले गए तो मैं सस्पेंड हो जाऊंगा, मुझ पर केस चलेगा। पुलिस जाने कहां से ऐसे सबूत ढूंढ लेगी कि जिससे लगेगा कि मैं तुम लोगों के साथ मिला हुआ हूं। मेरी राय और जानकारी में ही यह सब हुआ। नहीं नहीं, मैं तुम्हारी बात किसी भी हालत में नहीं मान सकता। अब बेशक तुम मुझे गोली मार दो। एकाएक देवराज चौहान मुस्कुराया, खुलकर मुस्कुराया, थोड़ा सा हंसा। तत्पश्चात उसने लापरवाही से भरी मुद्रा में रिवॉल्वर जेब में डाली और बोला, तुम ठीक कहते हो, मैं चलता हूँ। बैंक मैनेजर के चेहरे पर परेशानी और व्याकुलता नाच उठी। वह समझ नहीं पाया कि देवराज चौहान के जाने का क्या मतलब है। इतना तो वह समझ रहा था कि यह खतरनाक आदमी इस तरह आसानी से जाने वाला नहीं, कुछ करके ही जाएगा। फिर आखिर यह चाहता क्या है? देवराज चौहान ने बैंक मैनेजर को घूरते हुए सिगरेट सुलगाई। जानते हो मेरे जाने के बाद क्या होगा? क्या होगा? उसने सूखे होठों पर जीभ फेरी। मेरे यहाँ से निकलते ही इस बैंक में खास जगह रखे 3 पावरफुल बम फटेंगे। क्या क्या मतलब, बम? हाँ, 3 बम। देवराज चौहान ने जेब में हाथ डालकर छोटा सा रिमोट कंट्रोल निकालकर उसे दिखाया। देख लो, इस पर 3 बटन है, एक बटन दबता जाएगा, एक बम फटता जाएगा। तीनों खतरनाक बम है, मेरे साथियों ने कुछ देर पहले ही रखे हैं। सब कुछ तबाह हो जाएगा। 6 मंजिला वजीर चंद प्लेस का नामो निशान ही मिट जाएगा। बैंक के सारे कर्मचारी बेमौत मारे जाएंगे सिर्फ तुम्हारी गलती के कारण कि तुमने मेरी बात नहीं मानी। जरा आगे तो सोचो मैनेजर, वजीर चंद प्लेस 6 मंजिला है, ऊपर बिजनेस संस्थाओं के ऑफिस भरे पड़े हैं, जाने कितने लोग होंगे और कितनी शहर की अहम हस्तियां होंगी। जब सारी इमारत नीचे गिरेगी बम फूटने से, तो सोचना जरा कि तुम्हारी वजह से कितने मरेंगे। बैंक मैनेजर के फक चेहरे पर लगे होठ हिलकर रह गए। मैं चलता हूँ मैनेजर, अगले आधे मिनट में तुम चीख चिल्ला कर कितनों को बचा लोगे, क्योंकि आने वाले 60 सेकंड में मैं पहला बम ब्लास्ट करने जा रहा हूँ। झूठ बोलते हो तुम, बैंक मैनेजर सूखे स्वर में बोला। मैं सच कह रहा हूँ, इसका एक नमूना तो मैं तुम्हें अभी दिखा देता हूँ। बैंक में मौजूद 4 करोड़ अगर मेरे नहीं तो किसी के भी नहीं। एक बम बैंक के पिछले हिस्से में रखा है, उसे मैं तुम्हारे सामने ही फोड़ता हूँ बटन दबाकर। उस तरफ मेरा कोई भी आदमी नहीं है, मैं पहले ही वहां से उन्हें हटा कर आया था। ताकि शुरुआत करने की नौबत आए तो पीछे से ही करूं, यह देखो। कहने के साथ ही देवराज चौहान ने हाथ में थमा रिमोट कंट्रोल आगे करके उसके बटन पर उंगली रखी। बैंक मैनेजर के हल्क से दबी दबी चीख निकली, ठहरो। हरकत करते देवराज चौहान के हाथ रुक गए। सर्द निगाहों से वह बैंक मैनेजर को देखने लगा, जिसके माथे पर पसीने की हल्की हल्की बूंदें उभर आई थी। बदन में हो रही कप कपाहट स्पष्ट नजर आ रही थी। फूटो भी मुंह से, देवराज चौहान गुर्राया। बैंक मैनेजर के होठ हिले, परंतु शब्द कोई भी बाहर न निकला। मेरी बात मानने को तैयार हो? देवराज चौहान की आवाज में वहशीपन था। बैंक मैनेजर का पीला चेहरा सहमति के अंदाज में हिला। गुड, देवराज चौहान सख्त स्वर में बोला। तुम्हारी हां ने सैकड़ों जानों को मौत के मुंह में जाने से बचा लिया, वरना अब तक चीखों पुकार मच चुकी होती। इस बात की क्या गारंटी है कि तुम बाद में बम ब्लास्ट नहीं करोगे? बम तो मैंने तुमको समझाने के लिए स्टेज किया है कि अगर तुम मेरी बात न मानो तो अपना गुस्सा बम ब्लास्ट करके ठंडा कर सकूं। अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं ऐसा क्यों करूंगा? चलो मेरे साथ चलो। मैनेजर बुद्ध की मानिंद बैठा रहा। सुना नहीं तुमने? अब भी उठ जा, वक्त बर्बाद मत कर। देवराज चौहान की आवाज में खूनी भाव था। मैनेजर मन ही मन सिहर उठा। इसे तो जेब में डाल लो। देवराज चौहान ने रिमोट कंट्रोल जेब में डाला और बोला,
मैं रिवॉल्वर भी जेब में डाल रहा हूँ। रास्ते में कोई गड़बड़ करने की चेष्टा मत करना, और यह भी मत भूलना कि कदम कदम पर यहाँ मेरे आदमी फैले हैं, किसी भी तरह की कोई भी चालाकी काम नहीं आएगी। थर थराते बैंक मैनेजर ने झुक कर टेबल की दराज खोली और उसमें से आधा फीट लंबी चाबी निकाल कर जेब में डाल ली। दूसरी चाबी हेड कैशियर के पास है, बैंक मैनेजर कांपते स्वर में बोला। उसे तुम संभालो, हर हाल में उसे संभालना है। अगर नहीं संभाला तो यहाँ पर मौजूद लाशें गिननी कठिन हो जाएंगी। रिमोट कंट्रोल के बाहर आने में सिर्फ 2 सेकंड का समय लगेगा और उसके बाद 3 तगड़े पम ब्लास्ट। बैंक मैनेजर कांप कर रह गया। देवराज चौहान बैंक मैनेजर के साथ केबिन से बाहर निकला। अपने थोबड़े को ठीक करो, तुम्हें देखकर कोई गड़बड़ होने का शक न करे। बैंक मैनेजर ने कठिनता से खुद को संभाला। तुम कहते हो कि तुमने कल 5.5 करोड़ के नोटों वाली वैन लूटी थी। हाँ, तो जब इतनी मोटी रकम तुम्हारे पास है तो आज फिर यह सब क्यों? 5.5 में 4 मिलाओ तो 9.5 होते हैं। मैं 9.5 करोड़ इकट्ठे अपने पास देखना चाहता हूँ। समझे अब कि यह सब क्यों? बैंक मैनेजर कुछ न बोला। उसकी भय से भरी निगाहें बैंक के बड़े हॉल में घूम रही थी। चाल में बेहद मामूली लड़खड़ाहट थी। देवराज चौहान लापरवाही से भरी मुद्रा में उसके साथ चल रहा था। अगर कोई ध्यानपूर्वक उन दोनों को देखता तो फौरन उसे किसी न किसी गड़बड़ का शक हो जाता। हेड कैशियर कहाँ है? उधर कैशियर कैबिन में। सीधे वहीं चलो और बात करो उससे। बैंक मैनेजर देवराज चौहान के साथ कैश कैबिन के करीब पहुंचा। हेड कैशियर संदीप तनेजा ने अपना काम छोड़कर प्रश्न भरी निगाह बैंक मैनेजर पर डाली। बैंक मैनेजर के होठ हिले, परंतु कोई शब्द बाहर न निकला। देवराज चौहान ने तुरंत उसके जूते पर अपना जूता मारा। मैनेजर ने घबरा कर देवराज चौहान को देखा, फिर हेड कैशियर को। आपकी तबीयत तो ठीक है ना मैनेजर साहब? संदीप तनेजा अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। हाँ, मैनेजर ने अपने कांपते स्वर पर काबू पाया, ठीक ही हूँ। तो तुम आना जरा। तो कहाँ सर? संदीप तनेजा यही समझ रहा था कि कल हुई बैंक वैन रॉबरी के कारण ही मैनेजर कुछ अस्वस्थ दिखाई दे रहा है। इसी कारण उसकी घबराहट का उसने कोई खास नोटिस नहीं लिया और उसकी हालत को वह सामान्य समझ रहा था। स्ट्रॉन्ग रूम में, मैनेजर पूर्वता लहजे में बोला, चाबी ले आना। कंपनी वाले पैसा लेने आ गए सर? हाँ, मैनेजर ने गोल मटोल ढंग से ही सिर हिलाया। संदीप तनेजा ने फौरन अपनी जेबें टटोल कर वहाँ चाबी के मौजूद होने का आभास पाया। फिर एक पतला किंतु लंबा सा रजिस्टर उठाकर केबिन के पिछले हिस्से से बाहर निकला और स्टाफ के बीच में से गुजरता हुआ आगे बढ़ गया। आओ, मैनेजर ने सूखे स्वर में देवराज चौहान से कहा। तुम अपना काम ठीक तरह से नहीं कर रहे मैनेजर, देवराज चौहान ने खतरनाक लहजे में कहा। खुद को संभालो वरना मैं यहाँ पर कहर बरपा दूंगा। मैनेजर के चेहरे का रंग और भी फक पड़ गया। दोनों आगे बढ़ने लगे। चंद ही पलों में वह काउंटर के आखिरी कोने में पहुंचे जहाँ की नीना पाटेकर पहले से ही मौजूद थी। देवराज चौहान को मैनेजर के साथ आते देखकर नीना पाटेकर ने मुंह घुमा लिया। दोनों उसकी बगल से गुजर गए। आगे हेड कैशियर संदीप तनेजा खड़ा मिला। उसने भरपूर निगाहों से देवराज चौहान को देखा, साथ ही उसके चेहरे पर सोच के भाव आ गए। आप आए हैं सेवाराम मेवाराम कंपनी से पैसा लेने? तनेजा ने पूछा। हाँ, देवराज चौहान ने मुस्कुराकर जवाब दिया। लेकिन मैंने पहले तो कभी भी आपको नहीं देखा। तनेजा के स्वर में किसी प्रकार का भाव नहीं था। आपके मैनेजर साहब ने देखा है, देवराज चौहान ने उसी प्रकार मुस्कुराते हुए कहा। मैनेजर ने तुरंत सिर को ऊपर नीचे हिलाकर अपनी सहमति दी, साथ ही जेब से रुमाल निकालकर अपना चेहरा पोंछते हुए कह उठा, मैं इन्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ तनेजा। सर, 4 करोड़ जैसी बड़ी रकम का मामला है, बेशक आप इन्हें जानते हैं, फिर भी हमें अच्छी तरह अपनी तसल्ली कर लेनी चाहिए, तनेजा ने कहा। मैंने तसल्ली कर ली है, मैनेजर ने रुमाल जेब में डालते हुए कहा। फोन पर अभी सेवाराम से बात करके ही तुम्हारे पास आया था। ओह, तनेजा के चेहरे पर तसल्ली के भाव आए। यह अकेले ही आए हैं? मेरे साथ स्टाफ के और लोग भी हैं, देवराज चौहान ने शांत लहजे से कहा। आप अपना काम शुरू कीजिए कैशर साहब, पैसा ले जाने का मुकम्मल इंतजाम हम करके आए हैं। तनेजा ने सिर हिला दिया। तीनों आगे बढ़े। चंद कदमों के पश्चात बेसमेंट में जाने के लिए सीढ़ियां थी। वह तीनों सीढ़ियां उतरने लगे। देवराज चौहान मैनेजर के प्रति पूरी तरह सतर्क था। इस समय मैनेजर की हालत चोट खाए घायल सांप की तरह थी।
क्योंकि कल भी इसी ब्रांच के अहाते से बैंक वैन रॉबरी हुई थी। इसी कारण मैनेजर कभी भी चिल्लाहट अथवा क्रोध में कुछ भी उल्टा सीधा कर सकता था। बेसमेंट में भी करीब 20 लोगों का स्टाफ था। बैंक के लॉकर भी बेसमेंट में ही थे। उन सबको पार करके कोने में स्ट्रांग रूम मौजूद था। तीनों स्टाफ के बीच में से गुजर कर स्ट्रांग रूम तक पहुंचे। मैनेजर ने स्ट्रांग रूम के आधा फीट मोटे दरवाजे पर नजर आ रहे होल में चाबी लगाई। ऐसा करते समय उसके हाथ कांप रहे थे, पर किसी प्रकार चाबी को उसने 3 बार घुमाकर खोला। तत्पश्चात हेड कैशियर संदीप तनेजा ने जेब से चाबी निकालकर दूसरे की होल में चाबी फंसाकर 3 बार घुमाई। इसके साथ ही तनेजा ने दरवाजे पर लगी चाबी को कई बार घुमाकर खास जगह पर फिक्स किया। फिर उसने हैंडल को नीचे करके पूरी शक्ति से दरवाजे को भीतर की तरफ धकेला। लोहे का बेहद भारी दरवाजा धीरे धीरे खुलता चला गया। आइए कहने के साथ तनेजा भीतर प्रवेश करता चला गया। मैनेजर की चाल में अब लड़खड़ाहट सी भर आई थी। वह भीतर प्रवेश कर गया। उसके पीछे देवराज चौहान था। भीतर पहुंचकर तनेजा ठिठका और मैनेजर से बोला, सेवाराम मेवाराम एक्सपोर्ट कंपनी का 4 करोड़ रुपया इन बक्सों में है। यह जो 7 बक्से पड़े हैं, कल शाम मैंने ही इन्हें यहाँ रखवाया था। स्ट्रांग रूम में एक तरफ काफी बड़े बड़े काले रंग के 7 बक्से पड़े थे। वह इतने बड़े थे कि एक आदमी टांगे मोड़कर आसानी से उसके भीतर सो सकता था। उन 7 ट्रंक नुमा बक्सों पर मोटे मोटे ताले लटक रहे थे, जिन पर सील लगी हुई थी। देवराज चौहान की चमक भरी निगाह उन 7 बक्सों पर चाट की। इन्हें ले जाना कैसे है? तनेजा ने गर्दन घुमाकर देवराज चौहान को देखा। तभी स्ट्रांग रूम के खुले दरवाजे से नीना पाटेकर और मंगल पांडे ने भीतर प्रवेश किया। मैनेजर तो फौरन समझ गया कि यह देवराज चौहान के साथी होंगे, परंतु हेड कैशियर संदीप तनेजा उन्हें देखकर चौंका, क्योंकि दोनों के चेहरे इस बात की चुगली खा रहे थे कि इनके इरादे ठीक नहीं हैं। मंगल पांडे के तो पूरे चेहरे पर ही बदमाशी की छाप थी। यह देवराज चौहान ने उन दोनों की तरफ इशारा करके मुस्कुराते स्वर से कहा, यह दोनों ले जाएंगे इन बक्सों को, तुम इस बारे में निश्चिंत रहो। कि यह कौन है? तनेजा पल भर के लिए हड़बड़ा उठा। यह सेवाराम मेवाराम कंपनी के खास ओहदेदार हैं, जो कि मेरे साथ पैसे लेने आए हैं। तनेजा ने अविश्वास भरी निगाहों से देवराज चौहान को देखा। मैनेजर साहब, तनेजा ने तेज स्वर में कहा, यह लोग वह नहीं हो सकते। कौन नहीं हो सकते? पूछा देवराज चौहान ने। सेवाराम मेवाराम कंपनी वाले, तनेजा ने पूर्वता लहजे में कहा। एक तो यह सारे नए चेहरे हैं, पुराना इनमें से कोई भी नहीं है। दूसरा, इस आदमी को देखिए। उसने मंगल पांडे की तरफ इशारा किया। यह आदमी कंपनी का आदमी नहीं, बल्कि बदमाश लगता है। मैनेजर के चेहरे का रंग हल्दी की तरह पीला पड़ गया। देवराज चौहान के चेहरे पर क्रूरता नाच उठी। नीना पाटेकर और मंगल पांडे के चेहरों पर हिंसक भाव उभर आए। हम कंपनी के ही आदमी हैं, क्यों मैनेजर साहब? क्रूरता भरी हंसी हंसा देवराज चौहान। मैनेजर के चेहरे का रंग पीला पड़ गया। अब संदीप तनेजा को पूर्ण विश्वास हो गया कि मामला थोड़ा ही नहीं, पूरा का पूरा ही गड़बड़ है। जहान भर की सतर्कता उसमें भर आई। मैं अभी सेवाराम मेवाराम कंपनी फोन करके मालूम करता। तनेजा अपने शब्द पूरे भी नहीं कर सका, शब्द गले में ही फंस कर रह गए। फटी फटी आंखें देवराज चौहान के हाथ में थमी रिवॉल्वर पर जा टिकी थी। चंद क्षणों के सन्नाटे को देवराज चौहान की दरिंदगी भरी आवाज ने तोड़ा। तुम दोनों, देवराज चौहान ने मंगल पांडे और नीना पाटेकर से कहा, इन 7 ट्रंकों को उठाकर बाहर ले जाओ, जल्दी। तब तक मैं इसे संभालता हूँ। और मैनेजर, तुम इनके साथ ही जाओगे जब यह यहाँ से ट्रंक उठाकर ले जाएंगे। रास्ते में वैसे तो कोई गड़बड़ होगी नहीं। इन ट्रंकों को हमने सिर्फ बाहर तक ही ले जाना है। अगर गड़बड़ होती है तो उसे संभालना तुम्हारा काम है, वरना जानते ही हो कि क्या होगा। मैनेजर का चेहरा बुरी तरह निचुड़ चुका था। तनेजा हक्का पक्का मैनेजर को देख रहा था। सर, तनेजा के होठों से फटा फटा सा स्वर निकला, यह सब? अपना मुंह बंद रखो, देवराज चौहान गुर्राया, तुझे भी सब कुछ समझा देता हूँ। तनेजा हक्का बक्का सा खड़ा रह गया। मंगल पांडे और नीना पाटेकर फुर्ती के साथ अपने काम में जुट गए। बड़े ट्रंक का एक तरफ का कुंदा नीना ने थामा और दूसरी तरफ का कुंदा मंगल पांडे ने, और तेजी के साथ स्ट्रांग रूम से बाहर निकलते चले गए। तू यहाँ खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? देवराज चौहान मैनेजर को देखकर गुर्राया।
मैनेजर को जैसे होश आया, वह तेजी से बाहर निकल गया। देवराज चौहान ने खा जाने वाली निगाहों से तनेजा को देखते हुए जेब में से रिमोट कंट्रोल निकाल कर हथेली पर रखा। तनेजा बुद्ध की मानिंद खड़ा था। मैंने इस बैंक की बिल्डिंग में 3 पावरफुल बम लगा रखे हैं, जिनका संबंध इस रिमोट कंट्रोल से है। इस पर 3 बटन हैं। एक बटन दबेगा, एक बम फटेगा। तीसरा बम फटने तक यह 6 मंजिला इमारत भर भराकर नीचे गिर जाएगी। अब समझ में आई बात कि तुम्हारा मैनेजर क्यों खामोशी के साथ मेरी हर बात माने जा रहा है। बमों के बारे में सुनते ही तनेजा ठगासा रह गया। बोल, दबा दो बटन को। देवराज चौहान के होठों से भेड़िए की तरह आवाज निकली। नहीं, तनेजा सिर से पांव तक सिहर उठा। नहीं तो खामोशी से खड़ा रहे, देवराज चौहान ने पूर्वता लहजे में कहा। मेरे दबाए बटन किस हद तक बर्बादी तबाही फैला सकते हैं, यह तुम अच्छी तरह समझ सकते हो। पल भर में ही तनेजा खौफ के साए में लिपटा नजर आने लगा। उसकी दहशत से भरी निगाहें देवराज चौहान के हाथ में मौजूद रिमोट कंट्रोल पर टिकी थी, जिसे कि चंद पलों के बाद देवराज चौहान ने जेब में डाल लिया था। नहीं, इसे जेब में मत डालो, तनेजा आतंक भरे स्वर में कह उठा। क्यों? देवराज चौहान ने भिजे होंठों से उसकी आंखों में झांका। जेब में बटन दब सकता है, तनेजा के होंठों से खर खराहट भरा स्वर निकला। चिंता मत करो, देवराज चौहान वैशी स्वर में कह उठा, जब तक मैं नहीं चाहूँगा इसका बटन नहीं दबेगा, और जब मैं चाहूँगा एक सेकंड में ही इसका बटन दब जाएगा। तनेजा आतंक भरी मुद्रा में वहीं खड़ा रहा। बैंक मैनेजर नीना पाटेकर और मंगल पांडे के साथ चल रहा था। उन दोनों ने ट्रंक का एक एक कुंदा पकड़ कर उसे उठा रखा था। देखते ही देखते वह लोग बैंक के मुख्य द्वार के करीब जा पहुँचे। दरबान ने फौरन मैनेजर को देख कर सलाम मारा। करीब ही मौजूद जगमोहन और उस्मान अली ने यह सब देखा तो उनकी आंखों में तीव्र चमक उत्पन्न हो गई। दोनों ने अर्थपूर्ण निगाहों से एक दूसरे को देखा। मुख्य द्वार से बाहर निकलकर सामने ही अहाते में दोनों ने उस ट्रंक को रखा। अहाते में टहल रहे चारों पुलिस वालों ने यह सब देखा, परंतु मैनेजर के साथ होने के कारण ट्रंक के बारे में खास नोटिस नहीं लिया। जल्दी मैनेजर, नीना पाटेकर मैनेजर से बोली, बाकी का काम हमें फौरन निपटाना है। मैनेजर फक चेहरे से मुड़ने को हुआ कि पुलिस वाला पास आ पहुंचा। उसने नीना पाटेकर और मंगल पांडे पर निगाह मारकर कहा, मैनेजर साहब, हम आपके नाश्ते का इंतजार कर रहे हैं, अभी तक आया नहीं। मैनेजर ने अंगारों भरी निगाह से उसे घूरा। अभी मैं व्यस्त हूँ, देख नहीं रहे, मैनेजर अपना क्रोध दबाना सका। तो आपने कौन सा नाश्ता बनाना है? मैनेजर के क्रोध पर पुलिस वाला सक पका कर कह उठा, आपने तो कैंटीन में ऑर्डर ही देना है, इसके बाद तो अभी इंतजार करो, आधा घंटा ठहरो, मैनेजर ने खूनी स्वर में कहा। फिर नाश्ता तो क्या, लंच का भी इंतजाम करूंगा तुम लोगों के लिए, मक्खन वाले लंच का। ओह, तो यह बात है, कोई बात नहीं, हम आधा घंटा ठहर जाते हैं। पुलिस वाले ने सिर हिलाया और टहलता हुआ अपने साथियों के करीब जा पहुंचा था। चलो मैनेजर, मंगल पांडे ने सामान्य स्वर में कहा। मैनेजर पलटने ही लगा था कि ठिठक गया, कदम जड़ होकर रह गए। चेहरे पर कई क्षणों के लिए आतंक से भरे भाव आ गए। उसकी निगाहें सफेद रंग की उस विदेशी कार पर आ टिकी जो अभी अभी अहाते में आकर रुकी थी। उस कार को वह अच्छी तरह पहचानता था। वह विदेशी कार सेवाराम मेवाराम एक्सपोर्ट कंपनी के मालिकानों की थी और उस पर सेवाराम या मेवाराम दोनों पार्टनरों में से एक अवश्य होता था। मैनेजर की समझ में ना आया कि कंपनी वाले जो रुपए लेने आए थे उन्हें तो देवराज चौहान और उसके साथी लिए जा रहे थे। क्या हुआ? पांडे ने मैनेजर के चेहरे के भावों को देखते हुए पूछा। तभी कार से ड्राइवर नीचे उतरा और उसने फौरन पीछे वाला दरवाजा खोल दिया। अगले ही पल मेवाराम नीचे उतरा। क्या बात है मैनेजर? पांडे ने पुनः कहा। तुम काम में बहुत देर लगा रहे हो, हमारे पास पल भर का वक्त नहीं है और तुम यहाँ से हिलने का नाम नहीं। सामने उस कार से मेवाराम उतरा है, सेवाराम मेवाराम कंपनी वाला मेवाराम। मैनेजर ने सूखे होठों पर अपनी जीभ फेरकर धीमे स्वर में कहा, यह 4 करोड़ लेने आया है। मंगल पांडे से कुछ करते ना बना, यह अकेला है, एकाएक नीना पाटेकर बोली। मुझे क्या पता? मैनेजर की हालत बुरी हो चुकी थी, वो सोच रहा था कि अब क्या करे, बैंक में डकैती की बात खुलने पर उसका बुरा हाल हो जाएगा। मैनेजर, एकाएक नीना पाटेकर
धीमे किंतु सर्द लहजे में मैनेजर के कान में बोली, जो भी हो यह सारा मामला तुमने ही संभालना है। गड़बड़ होने का मतलब जानते ही हो कि क्या होगा। मैनेजर की हालत बदरक, चेहरा और फक। बैंक के गेट के भीतर खड़े जगमोहन और उस्मान अली को इस बात का आभास हो चुका था कि कुछ गड़बड़ होने जा रही है। वह फौरन सतर्क हो गए। जब तक मेवाराम कार से निकलकर वहीं तक पहुंचा था, वह 60 बरस का चुस्त बूढ़ा व्यक्ति था। चेहरा सेब की तरह सुर्ख था। हेलो मैनेजर साहब, मेवाराम ने हाथ बढ़ाकर बुत की तरह खड़े मैनेजर का हाथ थाम कर जोर से हिलाया। मैंने सोचा खुद ही बैंक जाकर रकम की डिलीवरी ले ले। भाई आजकल वक्त का कोई भरोसा नहीं। कल हुई बैंक वैन रॉबरी के बारे में सुना तो घबरा गया। भगवान का लाख लाख शुक्र अदा किया कि कल का पैसा हमारी कंपनी का नहीं था। वैसे हादसे का मुझे दिली अफसोस है। डकैतों का हौसला तो देखिए कि इस दरिया दिली के साथ बैंक से ही वैन को उड़ाकर ले गए। उनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। मैनेजर के होठ हिले, कह कुछ भी नहीं सका। कंपनी की रकम तैयार है ना, मेवाराम पुनः बोला। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैनेजर ने खुद पर काबू पाकर कहा। वह समझ चुका था कि हालातों पर उसे काबू पाना पड़ेगा, वरना वह पिस कर रह जाएगा। और भी जाने कितनी निर्दोष जाने जाएंगी और सारी जिम्मेवारी उस पर ही आएगी। आप अकेले आए हैं? अभी तो अकेला ही हूँ। 10-15 मिनट में कंपनी की तरफ से सिक्योरिटी वाले और 2 अकाउंटेंट आ रहे हैं, वही सब कुछ संभालेंगे। यह तो बहुत अच्छी बात है, मैनेजर ने भावहीन स्वर में कहा। मैं भी 10-15 मिनट जरा व्यस्त हूँ। आप मेरे केबिन में बैठिए, मैं अभी आता हूँ। आइए मैं आपको केबिन तक छोड़ दूँ। इसके साथ ही वह नीना और मंगल से बोला, आप लोग चले, मैं मेवाराम जी को केबिन में छोड़ कर आ रहा हूँ। ना चाहते हुए भी नीना और मंगल स्ट्रांग रूम की तरफ बढ़ गए। मैनेजर ने मेवाराम को अपने केबिन में बिठाया और यह कहकर बाहर निकला कि 10 मिनट में आ जाऊँगा। केबिन से बाहर निकलते ही उसका सामना अपने असिस्टेंट से हो गया। असिस्टेंट बैंक मैनेजर बोला, बंसल साहब, मैनेजर ने कहा, मेरे केबिन में मेवाराम जी बैठे हैं, उनसे पूछ लीजिए कि उन्हें किसी वस्तु की आवश्यकता तो नहीं। मैं जरा व्यस्त हूँ, 10 मिनट में आता हूँ। बंसल ने सहमति से सिर हिला दिया। मैनेजर सीधा बेसमेंट में मौजूद स्ट्रांग रूम में जा पहुँचा। सब ठीक है? देवराज चौहान उसे देखते ही गुर्राया। हाँ, मेवाराम रकम रिसीव करने आया है, मैनेजर सूखे स्वर में बोला। अब वह कहाँ है? मेरे केबिन में बैठा मेरा इंतज़ार कर रहा है। मैनेजर, देवराज चौहान दरिंदगी भरे स्वर में बोला, हम सब का भला इसी में है कि हम जल्दी से 4 करोड़ के साथ यहाँ से बाहर निकल जाएं। समझ रहे हो ना मेरी बात? मैनेजर ने घबराहट भरी मुद्रा में सिर हिलाया। सर, तभी तनेजा बोला, उनके चले जाने के बाद हमारी क्या स्थिति होगी? यह हमारे जाने के बाद सोचना, मंगल पांडे ने खतरनाक लहजे से कहा। तनेजा ने फौरन होठ बंद कर लिए। इतने बड़े बड़े ट्रंक एक ही कार में नहीं जा सकते। तुम यह बात गेट के पास खड़े जगमोहन से कहो, देवराज चौहान ने एक एक शब्द चबा कर कहा। जगमोहन क्या करेगा? पाटेकर बोली। जो मैंने कहा है तुम वही करो, देवराज चौहान गुर्राया। मंगल पांडे और नीना पाटेकर ने ट्रंक उठाया और बाहर निकल गए। मैनेजर बॉडी गार्ड की तरह उनके पीछे हो गया। सारा रास्ता तय करके उन्होंने मुख्य द्वार के करीब पहले रखे ट्रंक के पास दूसरे को रखा और पलट कर वापस चल पड़े। मैनेजर उनके साथ था। मंगल क्षण भर के लिए जगमोहन और उस्मान अली के पास खिसक कर बोला, ऐसे 60 ट्रंक हैं, इन्हें ले जाने का मुनासिब इंतज़ाम करो, कार में यह सब नहीं जाएगा। कहने के साथ ही मंगल पांडे आगे बढ़ता चला गया। उस्मान, जगमोहन बेहद धीमे स्वर में बोला, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, मैं अभी कुछ इंतज़ाम करके आता हूँ, वरना गड़बड़ हुई समझो। उस्मान अली सिर्फ सिर हिलाकर रह गया। जगमोहन मुख्य द्वार के बाहर निकल गया। डालचंद बैंक से सिर्फ 80 गज दूर कार के साथ मौजूद था। उसके चेहरे पर चिंता की हल्की सी छाप मौजूद थी। दिल की धड़कन भी सामान्य गति से कुछ तेज ही थी। कल तो वह बैंक वैन को सफलतापूर्वक ले उड़ा था। किस्मत से वह बैंक वैन आर्म्स प्रूफ थी। रास्ते में पुलिस वाले मिल गए तो उनसे बचना कठिन हो जाएगा। गड़बड़ हो गई तो वह सीधा जेल में जा पहुँचेगा और वैन में मौजूद 5.5 करोड़ की दौलत उनके लिए तो बेकार ही हो जाएगी। लेकिन वह अब इस काम से पीछे भी तो नहीं हट सकता था। आज के काम से पीछे हटने का मतलब था बैंक वैन में मौजूद 5.5 करोड़ में से भी हिस्सा नहीं मिलेगा। हिस्सा सिर्फ उसे ही मिलेगा जो शुरू से अंत तक
देवराज चौहान के साथ रहा हो। उसे देवराज चौहान की यह जिद फिजूल ही लगी थी कि 9.5 करोड़ को एक साथ वह अपने सामने देखना चाहता है, उसके बाद ही हिस्से किए जाएंगे। जबकि डालचंद की समझ के मुताबिक वह 5.5 करोड़ ही बहुत था, जो कि बैंक वैन में अभी तक बंद था। सबसे बड़ा खतरा तो उस बैंक अहाते में हथियारों सहित टहलते उन 4 पुलिस वालों से लग रहा था। उन 4ों की मौजूदगी में डकैती की दौलत ले उड़ना आसान नहीं था। जाने वह सारे बैंक के भीतर अब क्या कर रहे होंगे, डकैती में सफल भी होंगे या नहीं। डालचंद तरह तरह के विचारों में फंसा पड़ा था। बहरहाल फिर भी वह निश्चिंत था कि डकैती में गड़बड़ हो गई तो भीतर वाले ही फंसेंगे, उसका क्या है, वह तो बाहर से बाहर को ही खामोशी से खिसक जाएगा। उसने घड़ी में समय देखा। उसे कार सहित बैंक के अहाते में पहुंचने में अभी 7-8 मिनट का वक्त बाकी था। तभी डालचंद चौंका। उसने जगमोहन को देखा जो बैंक से निकलकर तेज तेज कदमों से उसकी तरफ बढ़ा रहा था। डालचंद को लगा मामला कहीं न कहीं तो गड़बड़ हो ही गया है, क्योंकि योजना में बैंक से निकलकर जगमोहन को उसकी तरफ आना नहीं था। आने का सीधा मतलब था कि कहीं गड़बड़ हो चुकी है। डालचंद, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, जगमोहन बोला। वह तो मैं तुझे देखते ही समझ गया था, डकैती असफल हो गई ना। नहीं, जगमोहन जल्दी से बोला, सब ठीक है, परंतु 4 करोड़ की दौलत 7 बड़े बड़े ट्रंकों में भरी हुई है, जिन्हें की कार में लादकर नहीं ले जाया जा सकता। उसके लिए कोई बंद वैन चाहिए, मेटाडोर टाइप की बंद वैन, फौरन इंतजाम करो। क्या, डालचंद बड़बड़ाया, मेटाडोर बंद वैन का फौरन इंतजाम करूं? तुम्हारा दिमाग तो सही है, इतने कम समय में मैं किसकी वैन उठा कर लाऊंगा। यह समय बहस करने का नहीं है, कुछ करो डालचंद, कहीं से भी, तुम खुद कर लो। डालचंद ने होठ भींच लिए। मैं वैन का इंतजाम नहीं कर सकता, यह कार है मेरे पास, इस पर जितने ट्रंक आएंगे वह मैं ले जाऊंगा। इस पर तो 2 से ज़्यादा नहीं आने वाले। कोई बात नहीं, मैं 2 ही ले जाऊंगा, डालचंद ने उसे घूरा। ऐसी बातों का इंतजाम फौरन नहीं किया जाता जगमोहन, समय लगता है। डालचंद, जगमोहन विवशता भरे स्वर में कह उठा, तुम खुद ही क्यों नहीं कर लेते? क्या, बंद वैन का इंतजाम जिसमें वह 7ों ट्रंक आ सके, मैं कहाँ से करूँगा? यही तो मैं कह रहा हूँ कि मैं कहाँ से लाऊँगा, डालचंद ने दांत फींचे। जगमोहन के होठ फींच गए। डालचंद ठीक ही तो कह रहा था। उसकी निगाहें दाएं बाएं घूमने लगी। सामने ही पार्किंग प्लेस था, वहाँ पर तरह तरह के वाहन मौजूद थे, जैसी वैन उन्हें चाहिए थी 5-7 वैसी वैनें वहाँ मौजूद थी, परंतु उन्हें हासिल करना असंभव था। वहाँ 2 पार्किंग अटेंडेंट थे, उनकी मौजूदगी में भला यह काम कैसे हो सकता था। वह कुछ कहने ही वाला था कि तभी उसकी निगाह सफ़ेद रंग की खूबसूरत बंद वैन पर पड़ी, जो सड़क से मुड़कर बैंक की तरफ बढ़ रही थी। वैन की बॉडी के दोनों तरफ खूबसूरती के साथ सेवाराम मेवाराम एक्सपोर्ट कंपनी लिखा हुआ था। उसके देखते ही देखते सेवाराम मेवाराम एक्सपोर्ट कंपनी की बंद वैन बैंक के अहाते में जा खड़ी हुई। उसके पिछले और आगे वाले दरवाजे खुले, 4 खतरनाक से नज़र आने वाले गार्ड नीचे उतरे और बैंक में प्रवेश कर गए। उसके साथ कंपनी का अकाउंटेंट भी था। ड्राइवर वैन के पास खड़ा होकर बीड़ी सुलगाने में लग गया। डालचंद, जगमोहन की सिकुड़ चुकी आंखों में चमक पैदा हो चुकी थी। डालचंद ने प्रसन्नता भरी निगाहों से जगमोहन को देखा। वह सफ़ेद वैन जो बैंक में, सेवाराम मेवाराम वाली, हाँ मैं उसी की बात कर रहा हूँ, उसे चलाने में तुम्हें कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा, नई वैन है, खूब दौड़ेगी, लेकिन उस पर कब्जा जमाना सपना देखने के बराबर है। जिन नोटों को हम ले उड़ने वाले हैं वह उन्हीं नोटों को लेने आए हैं, फिर यहाँ पर 4 पुलिस वाले मौजूद हैं, ऐसे में वैन छीन कर मरना है क्या? डकैती तो असफल होगी ही, जान पर भी बनाएगी, मेरी मानो तो कार पर जितने ट्रंक आते हैं बहुत हैं। देखते जाओ, जगमोहन एक एक शब्द चबाकर कह उठा, तुम उस वैन को ड्राइव करने के लिए तैयार रहो, वैन पर कब्जा जमाना मेरे हिस्से में रहा, गड़बड़ हो जाएगी। डालचंद बेचैन हो उठा। जगमोहन कुछ नहीं बोला और बैंक की तरफ बढ़ गया। अब नोटों से भरा 4था ट्रंक नीना और मंगल उठाए ले जा रहे थे, जब मैनेजर के केबिन में मेवाराम के साथ असिस्टेंट मैनेजर बंसल की निगाह उस पर पड़ी। ट्रंक को देखते ही बंसल के चेहरे पर अजीब से भाव व्याप्त होते चले गए, आंखों में हैरत के भाव उभरे। उसने तुरंत गर्दन घुमाकर मेवाराम को देखा। आपका काम शुरू हो गया? बंसल ने पूछा।
कैसा काम? पैसे को बैंक से निकालने का काम? अभी नहीं, मेवाराम ने अपनी जेब थपथपाई। अभी तो मैंने अपने कागजात भी मैनेजर साहब को नहीं दिए। एक तो मैनेजर साहब बिजी हैं, कह रहे थे फुर्सत मिलने में 15 मिनट लगेंगे। दूसरे अभी मेरे आदमी नहीं आए, सिक्योरिटी गार्ड और अकाउंटेंट आने ही वाले हैं, तब मेरा काम शुरू होगा। तो फिर यह मामला उल्टा कैसे हो गया? बंसल बड़बड़ा उठा। निगाहें पांडे और नीना के द्वारा उठाए गए ट्रंक पर और साथ चल रहे मैनेजर साहब पर उठ रही थी। क्षमा कीजिएगा मेवाराम जी, मैं अभी आया। बंसल अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। मेवाराम जी सिर हिलाकर रह गए। इससे पहले कि बंसल केबिन से बाहर निकलता, तभी दरवाजे में से मेवाराम की कंपनी के अकाउंटेंट ने भीतर प्रवेश किया। तुम आ गए गुप्ता? मेवाराम जी उसे देखते ही बोले, आओ बैठो। फिर उन्होंने बाहर खड़े सिक्योरिटी गार्डों पर निगाह मारकर बंसल से कहा, मैनेजर साहब अब हमारा पैसा स्ट्रांग रूम से निकालने का इंतज़ाम कीजिए। 5 मिनट ठहरिए मेवाराम जी, मैं अभी इंतज़ाम करता हूँ। कहने के साथ ही बंसल बाहर निकला। उसके चेहरे पर अजीब से भाव फैले हुए थे। नीना, पांडे और मैनेजर ट्रंक के साथ मेन द्वार से बाहर निकल रहे थे। बंसल केबिन से निकलकर तेजी से काउंटरों के साथ होता हुआ आगे बढ़ गया। चंद ही पलों में वह तनेजा के केबिन के पास था। तनेजा को केबिन में ना पाकर वह ठिठका। गर्दन घुमाकर देखा तो नीना, मंगल और मैनेजर को मुख्य द्वार से भीतर प्रवेश करता पाया। बंसल वहीं खड़ा रहा। मैनेजर ने उसके करीब से गुजरना था। जब वह उसके करीब से गुजरे तो बंसल ने टोका, सर। मैनेजर ठिठका, नीना और मंगल भी ठिठके। मैंने तुम्हें मेवाराम के पास ठहरने को कहा था, मैनेजर बोला। मैं मेवाराम के पास से ही उठकर आ रहा हूँ, बंसल बोला। सर, स्ट्रांग रूम से आप जो नोटों से भरी पेटियाँ निकाल रहे हैं वह किसके नाम है? क्यों? मैनेजर के माथे पर पल पड़ गए। आप जवाब तो दीजिए सर। पहले तो मुझे बताओ कि तुम्हारे यह प्रश्न पूछने के पीछे? सर, बंसल ने बात काट कर कहा, यह पेटियाँ कल शाम 4 बजे रिजर्व बैंक से आई थी। इनमें सेवाराम मेवाराम कंपनी का 4 करोड़ रुपया है। इन्हें कल स्ट्रांग रूम में मैंने और तनेजा ने ही रखवाया था, और अब मेवाराम जी इन्हीं पैसों को लेने के लिए आपके केबिन में बैठे हैं, और उनकी फॉर्मेलिटीज़ पूरी किए बिना ही आप पैसा जाने किसके लिए निकाले जा रहे हैं? कहने के साथ ही बंसल ने नीना और मंगल पर निगाह मारी। मैनेजर क्षण भर के लिए ठगा सा रह गया। तुम्हें पूरा विश्वास है कि यह ट्रंक मेवाराम कंपनी के ही हैं? श्योर सर, मैंने और तनेजा साहब ने ही तो इन्हें कल अंदर रखवाया था। इनके तलों पर गोंद से मैंने स्लिप भी चिपका रखी है कि यह मेवाराम कंपनी का पैसा है। आप बेशक ट्रंकों के नीचे वाले हिस्से पर लगी स्लिप देख सकते हैं, बंसल ने अपने शब्दों पर जोर दिया। मैनेजर ने एक निगाह नीना और मंगल पर मारी। लेकिन तनेजा ने तो मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया, मैनेजर ने कहा। हैरानी है सर कि अगर उसने इस बारे में कुछ भी नहीं बताया तो? बंसल, तनेजा स्ट्रांग रूम में है, तुम साथ चलो और उससे बात कर लो। चलिए सर। मैनेजर, नीना, मंगल, पांडे और बंसल बेसमेंट की तरफ बढ़ गए। जगमोहन वापस अपनी जगह पर पहुंचा। उस्मान अली ने प्रश्न भरी निगाहों से उसे देखा। जगमोहन ने धीमे स्वर में सारी बात उसे बताकर कहा, मैं सेवाराम मेवाराम वाली वैन को अपने कब्जे में करने जा रहा हूँ। उसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता, ना ही इतनी जल्दी हम अन्य वैन का इंतज़ाम कर सकते हैं। पागल हो गए हो? उस्मान अली बड़बड़ाया। क्या मतलब? तुम शायद हालातों पर गौर नहीं कर रहे। बैंक के भीतर डकैती हो रही है। उधर मैनेजर के केबिन में मेवाराम खुद बैठा है। अभी 4 उसके सिक्योरिटी गार्ड पहुंचे हैं जो मैनेजर के केबिन के बाहर ही खड़े हैं। सब के सब खतरनाक हैं। इधर नोटों से भरे ट्रंक बाहर रखे जा रहे हैं, और चंद कदमों के फासले पर 4 पुलिस वाले हथियारों सहित खड़े हैं। उन्हें इस बात का आभास मिलने की देर है। देखना, वह तुम्हारा मतलब है कि मैं वैन को अपने कब्जे में ना करूं? जगमोहन व्यंग से बोला। नहीं, नहीं करना ही हमारे लिए अच्छा होगा। तो उस्मान अली, यह जो नोटों से भरे बड़े बड़े ट्रंक यहाँ इकट्ठे किए जा रहे हैं, इन्हें ले जाना कैसे है? क्या जाते हुए हम एक एक सिर पर उठा कर ले जाएंगे? जगमोहन ने तीखे स्वर में कहा, क्योंकि डालचंद के पास जो कार है उसमें 2 से ज़्यादा जाने से रहे। उस्मान अली कुछ ना बोला। हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है उस्मान अली, 4 ट्रंक बाहर आ चुके हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 और होंगे। इस काम से निपट कर मैनेजर ने मेवाराम की तरफ ध्यान देना है,
और उसका ही पैसा हम ले जा रहे हैं। सारा माल बाहर आते ही हमें फौरन यहाँ से खिसक जाना होगा, नहीं तो ऐसे फंसेंगे कि बचना भी कठिन हो जाएगा। ज़्यादा संभावना हमारी लाशों के पीछने की है, क्योंकि चार पुलिस वाले हथियारों सहित और मेवाराम के चार सिक्योरिटी गार्ड हैं। उन्होंने हमें गोलियों से उड़ाने में एक सेकंड की देर नहीं लगानी है। उस्मान अली ने सूखे होठों पर जीप फेरी। वैन पर कैसे कब्जा करोगे? वह बात तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, जगमोहन ने होठ भींच कर कहा। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं, तुम यहीं खड़े होकर सब कुछ देखो, गड़बड़ होने पर ही आगे आना, जगमोहन ने सर स्वर में कहा और बैंक के मुख्य द्वार से निकलकर वैन की तरफ बढ़ गया। बंसल उनके साथ स्ट्रांग रूम में पहुंचा। देवराज चौहान की तीखी निगाह बंसल पर जा टिकी। बंसल हैरानी से देवराज चौहान और तनेजा को देखने लगा, फिर दो लंबी लंबी सांसें लेकर बोला, तनेजा साहब, यह आप क्या कमाल कर रहे हो? वो पेटियां वापस मंगवाइए, नहीं तो गजब हो जाएगा, हमारी नौकरी तो गई ही समझो। क्यों? तनेजा ने सूखे होठों पर जीप फेरी। यह नोटों वाली पेटियां तो सेवाराम मेवाराम कंपनी की हैं, भूल गए? कल शाम ही तो हमने इन्हें रिजर्व बैंक की गाड़ी से उतरवा कर रखा था। इनके नीचे तलों पर मैंने ही स्लिप चिपकाई थी, सेवाराम मेवाराम कंपनी के नाम की। देखिए, बंसल आगे बढ़ा और पूरी शक्ति लगाकर किसी प्रकार पेटी को जरा सी टेढ़ी करके बोला, देखो तो, मैंने गलत तो नहीं कहा? तनेजा ने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। बंसल ने पेटी छोड़ी और सीधा खड़ा हो गया। तुम खामोश क्यों हो तनेजा? तुम ठीक कह रहे हो बंसल, कि वह पैसा सेवाराम मेवाराम कंपनी का है। इसका मतलब तुम जानते हो? बंसल जोरों से चौंका। हाँ, मैनेजर साहब भी जानते हैं। बंसल ने मैनेजर को देखा। मैनेजर पूर्वता मुद्रा में खड़ा रहा। यह लोग किस कंपनी से हैं? बंसल ने देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान के होठों पर क्रूरता से भरी मुस्कान उभरी। पलक झपकते ही उसके हाथ में रिवॉल्वर नजर आने लगी। अगले ही पल रिवॉल्वर की नाल बंसल के गाल पर पड़ी। उसके होठों से करहा निकल गई, गाल भीतर से कट गया, होठों के कोनों से खून उभर आया। आंखों में आतंक के भाव लिए गाल पर हाथ रखे वह दो कदम पीछे हट गया। खबरदार, जो मुंह से आवाज निकाली। देवराज चौहान के होठों से भेड़िए की सी गुर्राहट निकली। हम डकैती डाल रहे हैं और हमारे कदम रुकने का मतलब है यहाँ मौजूद सैकड़ों लोगों की मौत। तनेजा, समझा दो इस बेवकूफ आदमी को। बंसल ने घबराकर तनेजा को देखा। तुम लोग जल्दी से अपना काम करो, देवराज चौहान मंगल और नीना से बोला। रुको मत, हमारे पास समय बहुत कम है, उठाओ। मंगल और नीना पांचवा ट्रंक उठाकर बाहर निकल गए। मैनेजर उनके साथ बाहर निकल गया। उसकी हालत बुरी हो रही थी। डकैती को वह चाहकर भी किसी भी हालत में नहीं रोक सकता था। रोकने की कोशिश करने का भी मतलब था वास्तव में सैकड़ों लोगों को मौत के मुंह में धकेल देना। देवराज चौहान ने जेब में पड़े रिमोट कंट्रोल के बटनों को दबाना था कि अगले ही पल हर तरफ तबाही तबाही होनी थी। हॉल से गुजरते समय मैनेजर को सेवाराम मेवाराम कंपनी का अकाउंटेंट केबिन के बाहर टहलता नजर आया। मैनेजर को देखते ही तुरंत वह उसकी तरफ लपका। मैनेजर साहब, अकाउंटेंट पास आते हुए तेज स्वर में बोला, सेठ जी को इस तरह ज़्यादा देर बैठने की आदत नहीं है, वह जल्द ही रकम की डिलीवरी ले जाना चाहते हैं। बस 5 मिनट और, मैनेजर ने संक्षिप्त सा जवाब दिया। यहाँ सेठ जी के लिए अब एक एक मिनट बिताना भारी हो रहा है। मिस्टर, मैनेजर ने अकाउंटेंट से तीखे स्वर में कहा, आप जाकर केबिन में बैठिए, मैं अभी वहीं आकर आपसे बातें करता हूँ। आप ठीक लहजे में बातें नहीं कर रहे हैं मैनेजर साहब, अकाउंटेंट ने क्रोध भरे स्वर में कहा। मैनेजर उनके साथ चलते हुए खामोश रहा। इस समय वह जिन हालातों से गुजर रहा था उसके कारण उसका मन कर रहा था कि इसे उठाकर बाहर फेंक दे, परंतु अपनी इस ख्वाहिश और इच्छा को वह दबाकर रह गया था। अकाउंटेंट उसके साथ ही चलने लगा। मैं सेठ जी से कहकर कंपनी का खाता आपके बैंक से निकलवा दूंगा, वह पुनः बोला। जो मन में आए कीजिएगा, मैनेजर ने शुष्क स्वर में कहा। क्या? अकाउंटेंट का मुंह खुला का खुला रह गया। सेवाराम मेवाराम कंपनी का खाता आपके बैंक से हट जाए, इस पर आपको कोई ऐतराज नहीं? नहीं। तब तक मंगल पांडे और नीना पाटेकर ट्रंक उठाए बैंक से बाहर पहुंचे और वहां मौजूद चार ट्रंकों के पास पांचवा भी रख दिया। बैंक मैनेजर और अकाउंटेंट भी चलते हुए उनके पास छटक गए। वह अपनी बातों पर चिक चिक कर रहे थे, फिर देखते ही देखते
वह सारे पुनः भीतर प्रवेश कर गए। जगमोहन सेवाराम मेवाराम एक्सपोर्ट कंपनी की सफ़ेद रंग की वैन के पास पहुंचा। वैन का ड्राइवर वैन से टेक लगाए बीड़ी पिए जा रहा था। यह वैन सेवाराम मेवाराम एक्सपोर्ट कंपनी की है, जगमोहन ने रुआब से पूछा। हाँ क्यों, ड्राइवर ने जगमोहन पर एक प्रश्न भरी निगाह मारी। वैन को बैंक के दरवाजे के पास लगाओ, जल्दी। क्या मतलब, ड्राइवर एकाएक ही सतर्क हो गया। मतलब अपने मालिक से पूछना, मैं असिस्टेंट मैनेजर हूँ, मेरा काम नोटों से भरे वह सामने रखे ट्रंकों को वैन में लदवाना है, उसके बाद तुम लोग जानो। लेकिन अकाउंटेंट साहब कहाँ हैं, और वह चारों गार्ड तो आ रहे हैं, जगमोहन जल्दी का दिखावा करते हुए तेज स्वर में बोला। तुमसे जो कहा है वही करो, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, और भी काम मुझे करने हैं। शक की गुंजाइश ही कहाँ थी, ड्राइवर ने जल्दी से बीड़ी फेंकी और आगे बढ़कर ड्राइविंग सीट पर जा बैठा। अगले ही पल उसने वैन स्टार्ट की और बैक करते हुए वैन को बैंक के मुख्य द्वार के समीप ले जाकर खड़ा कर दिया। जगमोहन पहले ही वहां पहुंच चुका था। ड्राइवर नीचे उतरा तो जगमोहन ने उसे इशारे से अपने पास बुलाया और कहा, जरा हाथ लगाना। फिर वह दरवाजे के पास पहुंचा। भाई साहब, आपको कष्ट तो होगा, लेकिन जरा हाथ लगाना। यह सभी ट्रंक वैन में रखने हैं, मैं वैन के भीतर खड़ा हो जाता हूँ, और आप व वैन के ड्राइवर ट्रंक उठाकर ऊपर रखना, और मैं भीतर से खींच लूँगा, 2-4 मिनट ही लगेंगे। दरबान को मालूम था कि इन ट्रंकों में क्या है। कल हुई बैंक वैन रॉबरी के कारण वह पहले से ही बौखलाया हुआ था। इस कारण उसकी दिली ख्वाहिश थी कि नोटों से भरे यह ट्रंक जल्द से जल्द यहाँ से चले जाएं। जगमोहन की बात उसने फौरन मान ली। कंधे पर लटका रखी दो नाली बंदूक को उसने तुरंत दीवार के सहारे खड़ा किया और ट्रंकों के पास जा पहुंचा। तब तक ड्राइवर ने वैन के पिछले दोनों पल्ले खोल दिए। जगमोहन एक ही छलांग में वैन के भीतर जाकर खड़ा हो गया। उसका दिल तेजी के साथ धड़क रहा था। सेवाराम मेवाराम कंपनी के 4 गार्ड, 1 अकाउंटेंट और 1 पार्टनर बैंक के भीतर था। वह लोग कभी भी बाहर आ सकते थे। उनके बाहर आने की देर थी कि सारा खेल खतरे में पड़ जाना था। अपनी वैन पर ट्रंकों को भरते देख कर उन्होंने फौरन चौकस हो जाना था। 5 ट्रंक बाहर आ चुके थे। चौकीदार और ड्राइवर एक एक ट्रंक वैन के फर्श पर रखने लगे और जगमोहन उन्हें खींचकर भीतर सरका देता। देखते ही देखते 5 ट्रंक वैन के भीतर पहुंच गए थे। तभी नीना पाटेकर और मंगल पांडे 6वां ट्रंक उठाए बाहर आ पहुंचे। बाहर का नज़ारा देखकर क्षण भर के लिए वह ठिठके, फिर ट्रंक रखकर खामोशी के साथ वह पलट गए। परंतु उनके साथ आया मैनेजर ट्रंकों को सेवाराम मेवाराम कंपनी की वैन में पड़ा देखकर ठगा सा रह गया। नीना पाटेकर ने मैनेजर को कोहनी मारी तो हड़बड़ाकर वह पलटा और उनके साथ भीतर प्रवेश कर गया। चौकीदार और ड्राइवर ने वह 6ठा ट्रंक भीतर रख दिया। उस्मान अली सतर्कता से खड़ा सब कुछ देख रहा था। रह रहकर उसकी निगाह बैंक के अहाते में टहल रहे चारों पुलिस वालों की तरफ जा उठती थी, जो दो दो की टोली में खड़े गप्पे हाँकने में व्यस्त थे, और बैंक की बाहरी टूटी दीवार के करीब खड़ा डालचंद सब कुछ देख रहा था कि किस तरह से ट्रंक वैन में रखे जा रहे हैं। वह एकदम तैयार था वैन को उड़ा ले जाने को। उसे तो सिर्फ इशारे की देर थी। साथ ही दिल तेजी से धड़क रहा था कि यह सफ़ेद रंग की नई वैन है। वैन की बॉडी के दोनों तरफ एक्सपोर्ट कंपनी का नाम लिखा था। वैन दौड़ाने के 5 मिनट बाद ही सब जगह यह खबर फैल जानी थी कि सेवाराम मेवाराम एक्सपोर्ट कंपनी की वैन में डकैती का माल जा रहा है। और यही बात खतरे वाली थी कि संभव था किसी सड़क पर वैन को जल्दी ही पुलिस अपने घेरे में ले ले। नीना पाटेकर और मंगल पांडे ने धड़कते दिल के साथ स्ट्रांग रूम में प्रवेश किया और नोटों से भरे हुए आखिरी ट्रंक पर निगाहें चाटे की। उनको वापस आते देखकर देवराज चौहान ने मन ही मन गहरी सांस ली। एक ही ट्रंक बचा था, यानी कि डकैती सफल रही। कुछ ही देर में उस ट्रंक के साथ उन सब ने बाहर होना था। देवराज चौहान ने तनेजा और असिस्टेंट मैनेजर पर निगाह मारी। अब आखिरी ट्रंक हमें बाहर ले जाना है, तुम दोनों भी इस बार साथ चलोगे। रास्ते में किसी प्रकार की कोई चालाकी न दिखाते हुए खुद को सामान्य रखना, वरना जानते ही हो कि चालाकी का क्या अंजाम होगा। कहते हुए देवराज चौहान ने जेब से रिमोट कंट्रोल निकाल लिया। दोनों की निगाहें रिमोट कंट्रोल पर जा टिकी। चेहरे दूध की भांति सफ़ेद पड़ गए। मंगल पांडे और नीना पाटेकर ने आगे बढ़कर उस आखिरी ट्रंक को उठा लिया। चलो,
देवराज चौहान ने तनेजा और असिस्टेंट मैनेजर से कहा। फिर सबसे पहले नीना पाटेकर और मंगल पांडे ट्रंक सहित स्ट्रांग रूम से बाहर निकले। उसके बाद मैनेजर, तत्पश्चात तनेजा और असिस्टेंट मैनेजर, फिर देवराज चौहान। सामान्य गति से चलते हुए वह सब बेसमेंट से निकलकर ऊपरी तल में पहुंचे और तेज तेज कदमों से सब लंबे काउंटर के बगल से गुजरते हुए लंबे हॉल को पार करते हुए बाहर की तरफ बढ़े कि एकाएक उनके सामने मेवाराम आ खड़ा हुआ। मैनेजर, मेवाराम के स्वर में क्रोध का पुट था, हमें जाना है और तुम हमें इतनी देर से बिठाए हुए हो। हमें इतनी देर बैठने की आदत नहीं है, यह काम छोड़ो और फौरन हमारा काम करो। मेवाराम साहब, सिर्फ 2 मिनट और। पिछले 20 मिनट से आप 10 मिनट 5 मिनट की रट लगाए हुए हैं, मेवाराम ने उखड़े स्वर में कहा। अकाउंटेंट साहब बता रहे थे कि आपका बोलने का लहजा ठीक नहीं है, आपको हमारी कंपनी के खाते की जरा भी परवाह नहीं है, क्या यह सच है? मैनेजर कुछ कहने ही वाला था कि देवराज चौहान बोल पड़ा। मैनेजर साहब, पहले आप हमें फारिग कीजिए, हमें जल्दी जाना है। मेवाराम साहब, बस 1 मिनट, मैं इन्हें बाहर तक छोड़ाऊँ, उसके बाद मैंने आपका ही काम करना है, मैनेजर ने फंसे स्वर में कहा। ठीक है, चलिए मैं भी आपके साथ बाहर चलता हूँ, देखता हूँ इसके बाद आप मेरा काम करते हैं या कुछ और। कसम से, अगर मुझे मालूम होता कि बैंक में आकर आपके केबिन में बैठकर इस तरह मुझे वेट करना पड़ेगा तो मैं। चलिए मैनेजर साहब, देवराज चौहान शुष्क स्वर में बोला। वह सब पुनः आगे बढ़ गए, मेवाराम भी उनके साथ चल पड़ा। उसके चेहरे पर क्रोध के भाव नाच रहे थे, परंतु अन्य लोगों के सामने वह अपने भावों को जब्त किए हुए था। मेवाराम के साथ चलने पर नीना और मंगल की आंखें मिली, दोनों सतर्क हो गए, गड़बड़ होने जा रही थी। नोटों से भरे ट्रंकों को सेवाराम मेवाराम कंपनी की वैन में रखा जा रहा था। अभी तक ये बात भीतर वालों को पता न थी, परंतु मेवाराम के बाहर जाते ही यह बात खुल जानी थी और मेवाराम ने शोर मचा देना था। बाहर 4 पुलिस वाले भी मौजूद थे, उन्होंने मेवाराम के साथ आए गार्डों पर निगाह मारी। वह मैनेजर के केबिन के बाहर टहल रहे थे। देवराज चौहान अभी इस बात से अनजान था कि ट्रंक किस वाहन में लादे जा रहे हैं। मुख्य द्वार के करीब पहुंचते ही नीना पाटेकर ने उस्मान अली को इशारा किया। इशारे में मेवाराम को संभालने के लिए कहा गया था। इशारा समझते ही उस्मान अली के चेहरे पर दृढ़ता के भाव आ गए। उसका हाथ जेब में गया और रिवॉल्वर पर जा टिका। उसकी आंखों में हल्की सी दरिंदगी भर आई थी। नीना और मंगल पांडे तेजी से बाहर निकले, एकाएक उन्होंने अपनी चाल तेज कर दी थी। पलक झपकते ही उन्होंने ट्रंक उठाकर वैन में रखा। वहां खड़े जगमोहन ने ट्रंक को फौरन सरकाकर भीतर किया। देवराज चौहान को देखते ही वह समझ गया कि माल पूरा बाहर आ गया है। एक ही छलांग में वह नीचे आ गया और देखते ही देखते बाहर से वैन का दरवाजा बंद कर दिया और जरा सा वैन से हटकर खास ढंग से इशारा किया। वह इशारा डालचंद के लिए था, जो कि डालचंद ने देख लिया था। तभी मेवाराम की हैरत से भरी आवाज ने वहां छाई शांति को भंग किया। यह क्या, हमारी कंपनी की वैन में? खबरदार, उस्मान अली की गुर्राहट वहां गूंज उठी। आवाज अंदर, मुंह बंद, एक शब्द भी होठों से अगर निकला तो 6 की 6 गोलियां तुम्हारी पीठ में उतार दूंगा। सेठ मेवाराम की सांस गले में ही अटक कर रह गई थी। मंगल पांडे, नीना पाटेकर, जगमोहन और देवराज चौहान के हाथों में भी रिवॉल्वर चमक उठे। पल भर में ही माहौल खतरनाक हो उठा। चारों पुलिस वालों ने यह नज़ारा देखकर हथियारों को सीधा करना चाहा। जैसे खड़े हो वैसे ही खड़े रहो, देवराज चौहान पुलिस वालों को देखकर ऊंचे स्वर में गुर्राया। अगर तुम लोगों ने कोई हरकत की तो तुम्हारा यह करोड़पति मेवाराम नहीं बचेगा, साथ ही और भी कई जाने जाएंगी और हर मौत की जिम्मेदारी सिर्फ तुम लोग पर ही होगी, समझे? तुम देवराज चौहान ही हो? उसी पुलिस वाले ने आतंक भरे स्वर से पूछा, जो कि चाय पानी के लिए मैनेजर के केबिन में आया था और देवराज चौहान को धमकी भी दी थी। हाँ, मैं ही देवराज चौहान हूँ। क्या किया है अब तक तुम लोगों ने? डकैती, मेवाराम कंपनी के 4 करोड़ रुपए की। अब हम जा रहे हैं, तुम लोगों द्वारा कोई भी हरकत करने का मतलब है कई निर्दोष लोगों का मारा जाना, देवराज चौहान ने दरिंदगी भरे स्वर में कहा, जो जहाँ है वहीं खड़ा रहे। कल भी तुम्हीं ने बैंक वैन रॉबरी? हाँ, हमने ही 5.5 करोड़ के नोटों से भरी वैन उड़ाई थी। अब अपना थोबड़ा बंद रख, वरना अगली सांस तू ऊपर जाकर लेगा, देवराज चौहान गुर्राया।
पुलिस वाला हड़बड़ाकर फौरन खामोश हो गया। तुम लोग मेरा 4 करोड़ ले जा रहे हो? मेवाराम के होठों से फटाफटा सा स्वर निकला। चुप कर, उस्मान अली दहाड़ा। अब यह हमारा है, तुम बैंक से वसूल करते रहना। मेवाराम भयपूर्ण निगाहों से वहां मौजूद लोगों को देखने लगा। अब तक डालचंद भी ड्राइविंग सीट पर आ जमा था। चाबी इग्निशन में ही मौजूद थी। पलक झपकते ही उसने वैन को स्टार्ट कर दिया। वैन स्टार्ट होते ही सब सतर्क हो गए। बैंक के चौकीदार और वैन ड्राइवर की हालत बुरी थी। असली नज़ारा तो उनकी समझ में अब आया था। वह सकते किसी हालत में ही खड़े रह गए थे। हम जा रहे हैं, कोई गलत हरकत ना करे, कहते हुए देवराज चौहान मैनेजर के समीप पहुंचा और जेब से रिमोट कंट्रोल निकाल कर मैनेजर के हाथ पर रखते हुए बोला, यह लो, घर जाकर बच्चों को देना, वह इससे खेलेंगे। क्या? मैनेजर का मुंह फटाका फटा रह गया। वह बम? नहीं है, कोई बम नहीं है, देवराज चौहान ने सर स्वर में कहा। एक बात हमेशा के लिए याद रखना कि देवराज चौहान सैकड़ों लोगों की जानों पर खेलकर कभी भी दौलत नहीं लूटेगा। मैनेजर मुंह फाड़े हक्का पक्का सा रह गया। तभी बैंक के मुख्य द्वार से फायर हुआ। गोली देवराज चौहान की बाह से रगड़ खाती हुई उस्मान अली की पीठ में जा घुसी। उस्मान अली के होठों से चीख निकली और वह नीचे गिरकर तड़पने लगा। रिवॉल्वर उसके हाथ से छूट गई थी। एकाएक वहां हलचल मची। नीना पाटेकर और मंगल पांडे रिवॉल्वर सहित घूमे। एक साथ ही उनके रिवॉल्वरों से 2 फायर हुए और गोलियां मुख्य द्वार के करीब भीतर से झांकते मेवाराम के एक गार्ड के चेहरे को उधेड़ती चली गई। वह चीख भी ना सका और नीचे जा गिरा। उस्मान अली ठंडा पड़ गया था। देवराज चौहान के जबड़े सख्ती के साथ कसते चले गए। आंखों में हिंसक भाव उभरे। यह मेवाराम के गार्ड हैं, जगमोहन चीखा। मेवाराम का चेहरा और भी फक पड़ गया। उसी पल जगमोहन उसके सिर पर था और हाथ में पकड़ी रिवॉल्वर की नाल वह मेवाराम की खोपड़ी से सटा चुका था। मेवाराम की टांगों में कंपन होना आरंभ हो गया था और गले में खौफ के बड़े बड़े कांटे से उभरने लगे थे। अब मुख्य द्वार के करीब कोई भी गार्ड नजर नहीं आ रहा था। नाक की तह फुफकारते हुए देवराज चौहान मंगल पांडे और नीना पाटेकर से बोला, तुम लोग जाओ। क्या? मंगल पांडे अचकचाकर कह उठा। मैंने कहा है तुम लोग जाओ, देवराज चौहान गुर्रा उठा। हम भी यहाँ से रवाना हो रहे हैं, तुम लोग यहाँ रह गए तो यह पुलिस वाले या बैंक के भीतर मौजूद गार्ड तुम लोगों को भूनने में देर नहीं लगाएंगे। भाग लो यहाँ से। तुम सब निकल जाओगे ना यहाँ से? नीना पाटेकर के होठों से निकला। जो तुम लोगों को कहा है वही करो, देवराज चौहान ने दांत किटकिटाए, और यहाँ से वहीं पहुँचो जहाँ से सुबह हम निकले थे। जल्दी करो, जाते जाते इन पुलिस वालों के हाथों से हथियार लेकर उनसे दूर फेंक देना। ये चारों पुलिस वाले हमें बहुत नुकसान पहुँचा सकते हैं। खोपड़ी से रिवॉल्वर सटी होने के कारण मेवाराम की घिग्गी बंधी हुई थी। मैनेजर तनेजा असिस्टेंट मैनेजर सकते किसी हालत में खड़े थे। नीना पाटेकर और मंगल पांडे अपनी जगह से हिले। तेज कदमों से चलते हुए वह पुलिस वालों के पास पहुंचे और उनके हाथों से हथियार लेकर दूर फेंकने के पश्चात तेज रफ्तार के साथ भागते हुए बैंक के अहाते से बाहर निकलते चले गए। मौत से भरा सन्नाटा वहां पर व्याप्त था। देवराज चौहान ने आगे बढ़कर मेवाराम को कवर कर लिया। उसकी एक आंख बैंक के मुख्य द्वार पर थी। वह हर तरह के खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह से सतर्क था। जगमोहन, तुम भी निकल जाओ, देवराज चौहान धीमे से गुर्राया। मैं? हाँ, फौरन यहाँ से खिसक जाओ। लेकिन तुम मेरी फिक्र मत करो, अब यह मेवाराम हमारे साथ जाएगा। रास्ते में कोई हमारा कुछ नहीं? मैं साथ चलता हूँ। नहीं, तुम इस जगह से तुरंत दूर हो जाओ। देवराज चौहान की सतर्क निगाहें चारों तरफ घूम रही थी। वो धीमे स्वर में कह रहा था, मेरे साथ डालचंद है, तुम यहाँ से सीधे नटियाल के पास फार्म पर पहुँचो, हम भी वहीं आ रहे हैं। फौरन वहाँ जाकर अपनी ड्यूटी संभालो, अकेले नटियाल पर पूरी तरह भरोसा करना ठीक नहीं, जाओ। जगमोहन ने फिर रुकना मुनासिब नहीं समझा और भागते हुए बाहर निकलता चला गया। अब वहाँ देवराज चौहान अकेला रह गया था। डालचंद वैन की ड्राइविंग सीट पर मौजूद वैन को स्टार्ट रखे हुए था और दौड़ने के लिए तैयार था। मेवाराम, देवराज चौहान वैशी स्वर में कह उठा, मेरी रिवॉल्वर तेरी कमर के साथ लगी है, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, जो मैं कह रहा हूँ फौरन वही कर। तेरे साथ आए गार्ड बैंक के मुख्य द्वार से भीतरी तरफ घात लगाए खड़े हैं, मुझे अपनी चिंता नहीं है, मैं तेरी ओट में हूँ, वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते,
लेकिन मुझे वैन की चिंता है। वह वैन के पहिए को फायर करके उड़ा सकते हैं। दोबारा नहीं कहूँगा, इसलिए जो मैं कह रहा हूँ वह एक ही बार में कह डाल। उन्हें आवाज़ दे, बाहर आने को कह, जल्दी से जल्दी। मेवाराम ने गले में फंसी थूक निकली और गला फाड़ कर बोला, ए तुम लोग हाथ उठाकर बाहर आ जाओ, यह मेरा आदेश है। आवाज़ में भय व्याप्त था। बाकी बचे तीनों गार्डों में से कोई भी बाहर नहीं निकला। सुना नहीं तुम लोगों ने, बाहर आ जाओ, चीखा मेवाराम, वरना नौकरी से निकाल दूंगा। सबकी निगाहें बैंक के मुख्य द्वार पर ही चाट की थी। अगले ही पल तीनों खतरनाक से नजर आने वाले गार्ड हाथ उठाए बैंक के मुख्य द्वार से बाहर निकले। अपने हथियार उन्होंने भीतर ही छोड़ दिए थे। मुख्य द्वार से वह तीनों एक एक कदम ही बाहर निकले होंगे कि देवराज चौहान का हाथ बिजली की सी तेजी के साथ हिला। रिवॉल्वर की नाल मेवाराम की पीठ से अलग होकर गार्डों की तरफ हुई, फिर एक साथ तीन बार ट्रिगर दबा। तत्पश्चात रिवॉल्वर की गर्म नाल पुनः मेवाराम की पीठ से जा सटी। तीनों गोलियां तीनों गार्डों के सीने में जा लगी थी। हर कोई अपनी जगह स्तब्ध सा खड़ा था। पुलिस वाले तो बुत बने रह गए थे। मेवाराम, अगर तुम्हें मरना नहीं है तो मेरे साथ चलो। कहाँ? मेवाराम भय से चीखा। उल्लू के पट्टे, यह बाद में पूछना, कहाँ चल। देवराज चौहान मौत के से स्वर में गुर्राया और उसे धकेलता हुआ वैन की बगल से गुजर कर वैन के अगले हिस्से की तरफ बढ़ा। मेवाराम देवराज चौहान की बात मानना चाहता था, क्योंकि वह जानता था कि यह खतरनाक इंसान अपनी बात मनवा कर ही रहेगा। इसकी बात ना मानने का मतलब था गोली खाना, जो कि वह नहीं चाहता था। परंतु मेवाराम की टांगें उसके साथ नहीं दे रही थी। खौफ के कारण टांगों में ऐसी थर थराहट व्याप्त थी कि उसके लिए एक कदम भी उठाना कठिन हो रहा था। देवराज चौहान रिवॉल्वर के साए में मेवाराम को धकेलता हुआ वैन के दरवाजे तक लेकर पहुंचा। दरवाजा पहले ही खुला था। देवराज चौहान ने मेवाराम के ऊपर चढ़ने का इंतजार नहीं किया। उसने मेवाराम को बगलों से पकड़कर वैन की सीट पर फेंक दिया। मेवाराम के होठों से चीख निकली। वह नीचे गिरने को हुआ कि ड्राइविंग सीट पर बैठे डालचंद ने फौरन उसके सिर के बाल पकड़कर उसे संभाला। देवराज चौहान ने गर्दन घुमाई और दूर खड़े मैनेजर को देखा। मैनेजर, पुलिस को इन्फॉर्म करते समय यह बताना मत भूलना कि मेवाराम मेरे साथ है। अगर तुम बताना भूल गए तो समझो मेवाराम की मौत हो गई। देवराज चौहान वहीं से चीख कर ऊंचे स्वर में बोला और एक छलांग में वैन में बैठता चला गया। उसी पल ही डालचंद ने वैन को दौड़ा दिया। सबके देखते ही देखते 4 करोड़ की डकैती की दौलत के साथ वैन उनकी आंखों के सामने से ओझल होती चली गई। इसकी क्या ज़रूरत थी? डालचंद ने लंबी लंबी सांसें भरते हुए कहा। यह मेवाराम है, सेवाराम मेवाराम एक्सपोर्ट कंपनी का पार्टनर। रास्ते में अगर कहीं पर हमें पुलिस घेरेगी तो इसके दम पर हम अपना बचाव करेंगे। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाने के पश्चात कष्ट लेते हुए कहा। वैन को उड़ाकर ले चलो डालचंद, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। अब तक पुलिस को खबर की जा रही होगी हमारे बारे में। जाहिर है रास्ते में कहीं ना कहीं तो पुलिस हमें पकड़ने के लिए घेरा डालेगी ही। हमारा रास्ता भी काफ़ी लंबा है, रास्ते में कई नाजुक जगहों से गुजरना है। डालचंद के होठ सख्ती से भिंचते चले गए। सब ठीक है ना? उस्मान अली गया। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।